अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम उर्दू की ग्रामर की किताब में कहानियां पढ़ेंगे, जो कि सारी हम खत्म कर चुके हैं। सिर्फ दो रह गई हैं जो कि किताब वाली हैं। आपने इनको इसी में से याद करना है अच्छी तरह। हिरनी की दुआ पढ़ेंगे आज हम। शाम करीब थी, सबुकतगीन अपने फ़राइज़ से फारिग हुआ। सबुकतगीन एक बादशाह था और उसके बारे में ये कहानी है। वो अपने फराइज से फारिग हुआ, घोड़े को लगाम दी और उचक कर सवार हो गया। शहर से निकला, जंगल की ठंडी हवा लगी, दिमाग ताजा दम हुआ और घोड़े को एड़ लगाई। जंगल में दाखिल हो गया, हर तरफ घोड़ा दौड़ाया मगर कोई शिकार नजर ना आया। शिकार की तलाश में लोग थे, पहले जमाने में जंगल में जाया करते थे, वहां कोई ना कोई शिकार मिल जाता तो उसका शिकार कर लेते, फिर उसको काट कर उसको हलाल करके खाते। तो वो कह रहे शाम तक कोई उसको शिकार नजर आया, मगरिब की तरफ देखा तो सूरज तो गुरूब होते पाया। फौरन फिर उसने कहा कि अंधेरा होने वाला है, शहर की तरफ बाग मोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता जंगल को तय करने लगा। नागहां सबुकतगीन की नजर एक हिरनी पर पड़ी जो अपने छोटे से बच्चे को खिला रही थी। अब शिकारी को जब कोई अपना शिकार पसंद का मिल जाता है तो वो उससे सब्र रुखसत हो जाता है और वो चाहता है कि फौरी तौर पर इस चीज का शिकार कर ले। सबुकतगीन ने घोड़े को इशारा किया, वो सिधाया हुआ जानवर अपने मालिक के इशारे पर उछला और हिरनी की तरफ चल पड़ा। हिरनी ने शिकारी को देखा तो बच्चे को साथ लेकर भागी, खुद तो भाग गई क्योंकि खुद तो होती है तेज चलने वाली, भाग गई लेकिन बच्चा कमजोर था सो इस वजह से वहीं रह गया। उसकी टांगे कमजोर थी इसलिए बच्चा वहीं रह गया। सबुकतगीन ने सोचा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस छोटे बच्चे को ही पकड़ लिया जाए। चुनांचे वो घोड़े से उतरा, बच्चे को पकड़ा और उसने उसकी टांगे बांधी और घोड़े पर रखकर सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब आन पहुंचा, सबुकतगीन को एक सोगवार सी बड़ी रोने वाली सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, हिरनी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की ये मोहब्बत देखकर सबुकतगीन का दिल पसीजा, शायद उसे अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त याद आ गया। उसने घोड़ा रोका और हिरनी के बच्चे की टांगे खोली और उसे जमीन पर उतार दिया। बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया। अब माँ उसे देखकर उसको देखा और उसको अपने पास पाकर उसको चाटने लगी, उसको प्यार करने लगी। कभी वो सबुकतगीन की तरफ देखती और कभी वो आसमान की तरफ देखती, ऐसे जैसे कि दुआ मांग रही हो। सबुकतगीन ने कुछ देर तो ये नजारा देखा, फिर अंधेरा होने लगा तो उसने कहा कि अब मैं वापस घर की तरफ चलता हूँ क्योंकि सूरज कब का गायब हो चुका था। उसने घोड़े की बाग दौड़ाई और जल्द ही शहर में दाखिल हो गया और अपने घर पहुंच गया। ज़ुहैब अहमद, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। All boys should turn on their cameras. Walaikum assalam. But boys should turn on their cameras. And girls, listen carefully. And you have to complete all the work properly, which I have given you. Ever, which I. Check. All watch. I have group mein message kiya tha. जी बेटा, मिल जाएगा आपको जल्दी इंशाल्लाह। और आपने सारा करना है काम, फिर आपकी कॉपीज चेकिंग शुरू हो जाएगी तो आपने काम सारा चेक करना है, कंप्लीट करना है। रात हो चुकी थी और सारा शहर अंधेरे में डूब गया था। दिन भर का थका हारा सबुकतगीन जो था वो भी अपने बिस्तर पर लेटा और नींद के मजे ले रहा था और उसने देखा कि एक बुजुर्ग आए और उन्होंने सलाम अलैकुम कहा और बताया कि सबुकतगीन हिरनी की दुआ कबूल हो गई है, अब तू और तेरी औलाद एक मुद्दत तक गजनी पर हुकूमत करेगी। गजनी एक जगह का नाम है जहाँ का वो बादशाह था। बुजुर्ग ये खुशखबरी सुनाकर चला गया तो सबुकतगीन की आंख खुल गई। ख्वाब के वाके पर गौर किया मगर उसे कुछ समझ ना आया।
वो इस ख्वाब को भूल जाना चाहता था मगर भूल ना सका। आखिर वो दिन आ गया कि अलबतुगीन हाकम गजनी फौत हुआ और सबुकतुगीन जो था सर पर ताज रखकर गजनी का बादशाह बन गया और इस तरह वो औलाद ने भी वहां फिर हुकूमत की। इसका नतीजा क्या होगा इस कहानी का कि हमदर्दी इबादत की रूह है। पेंसिल लेकर इसका नतीजा लिखिए, हमदर्दी इबादत की रूह है। इस कहानी का नतीजा ये है, हमदर्दी इबादत की रूह है। नेक्स्ट स्टोरी है इंसाफ। चले आप पढ़े जरा यूनुस इंसाफ वाली कहानी। यस यू कैन रीड रीड। सुल्तान मुराद तुर्किस्तान का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। ईसाइयों की बड़ी बड़ी हुकूमतें इसके नाम से लर्ज़ा बर अंदाम होते हैं, डर कर उनसे कांपती थी, खौफ जदा थी। लर्ज़ा बर अंदाम इस वर्ड को कहते हैं, लर्ज़ा बर अंदाम थी। यूं तो हर मुसलमान हुक्मरान को इमारतें बनवाने का शौक रहा है मगर सुल्तान मुराद मस्जिदों की तामीर से खास दिलचस्पी लेता था। एक दफा उसने अपने दिल में एक मस्जिद का नक्शा बनाया। ये मस्जिद इसके तुखैल का हसीन तखय्युल को कहते हैं, तखय्युल का हसीन मुरक्के थी। इस जमाने में एक इंजीनियर की बड़ी शोहरत थी। बादशाह ने उसे बुलाया, अपना नक्शा उसे दिखाया और मस्जिद की तामीर पर लगा दिया। वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल बनते गए। मस्जिद बनती रही और बनती गई, लाखों अशरफियां खर्च हो गई। आखिर मस्जिद मुकम्मल हो गई। जोफिल वाके एक शानदार इबादत गाह थी। इंजीनियर ने बड़े दावे के साथ बादशाह को हजूर हाजिरी दी और अर्ज किया कि हजूर तैयार है और अर्ज किया कि मुलाहिजा फरमाइए। बादशाह अगली सुबह को मस्जिद देखने के लिए गया। मस्जिद को हर तरफ से देखा, ऊपर से, नीचे से, शुमाल से, जुनूब से, मगर इत्तेफाक देखिए कि अच्छी इमारत अपने तकाजे लिए बादशाह की नजरें इस्तेहसान की मुंतजर है, मगर बादशाह है कि इसे ये इमारत मुतलक पसंद नहीं आई। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। आखिर जब ना संभल सका तो हुक्म दिया कि इंजीनियर का एक हाथ काट दिया जाए। हुक्म की देर थी। एक सेकंड बेटा रुके, अब जो है बाकी की आप पढ़ेंगे। इसमें बादशाह ने इमारत बनाने का हुक्म दिया और एक इंजीनियर बहुत वहां कारीगर था जिसने उसके मुताबिक मर्जी के बादशाह बना के दिखा दी मस्जिद और बड़ी जल्दी ही वो मस्जिद बन गई। उसमें बहुत पैसे भी खर्च हुए और जब मस्जिद तैयार हो गई तो बादशाह के पास हाजिर हुआ इंजीनियर और कहने लगा कि आप आकर उसको देख लीजिए। अब वो जब गया बादशाह तो उसको वो उस तरह पसंद नहीं आई जिस तरह की वो दिल में चाहता था कि मेरी मस्जिद उस तरह की बने। लेकिन उसने क्या फिर हुक्म दिया, उसने कहा कि ये तो मेरी मर्जी की नहीं बनी, सो इसको इस इंजीनियर के हाथ काट दिए जाएं। आगे सुहेब बेटे आप पढ़ें। हुक्म की देर थी, जलाद ने हुक्म पाया तो हाथ काट दिया। इंजीनियर को ये सजा बिला वजह मिली थी, इससे और तो कुछ ना सूझा। वो सीधा काजी की अदालत में जा पहुंचा और दावा दायर कर दिया। काजी ने बादशाह के हाजिर होने का हुक्म दिया। बादशाह हाजिर हुआ तो अदालत में इंजीनियर को खड़ा पाया जिसके हाथ से खून के सुर्ख कतरे गिर रहे थे। बादशाह ये देखकर घबरा गया। काजी ने बादशाह के बयानात लिए और हुक्म दिया कि बादशाह का हाथ काट दिया जाए, इसके हाथ से भी खून गिरना चाहिए ताकि आइंदा गलत फैसला ना करे। बादशाह ने काजी का फैसला सुना तो अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इंजीनियर ने देखा तो उसकी चीखें निकल गई और बोला, मैंने इंसाफ पा लिया, मैं बादशाह को अपना खून माफ करता हूँ
और किसी दबाव के बगैर बख्शता हूँ। यह सुनकर बादशाह की जान में जान आई। उसने इंजीनियर को बहुत सा माल देकर रुख्सत किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसके काजी इस्लामी अहकाम के ऐलान में इस कदर दलेर हैं कि बादशाह को भी जुर्म करार दे देते हैं, मुजरिम करार दे देते हैं। यानी कि इस्लाम में जो कवानीन है, इस्लामी कवानीन, उसमें ये काट दिए हैं, जिसने अगर किसी का हाथ बिला वजह काटा है तो उसका भी हाथ काट दिया। इस्लामी कवानीन तो यही कहते हैं। और इससे अल्लाह के नबी की या दीन की, हमारे दीन की इसकी मिसाल ये है कि इंसान जो है ना, फिर गलतियां ना करें, दूसरे किसी को कटे हुए हाथ देकर इंसान समझे कि ये चोरी की थी इसने तो इसके हाथ कटे हैं। तो उस वो इंजीनियर जो था काजी की अदालत में चला गया। और काजी जो थे, जो जैसे आजकल हमारे जज हैं, तो पहले जमाने में काजी फैसला सुनाया करते थे। काजी ने जब उसका खून से भरे हुए हाथ देखे तो उसने बताया कि मुझे बिला वजह बादशाह ने काट दिया। काजी ने बादशाह को भी बुला लिया। यानी कि उस वक्त इस तरह इंसाफ देते वक्त वो ये नहीं सोचते थे कि हम बादशाह को बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बादशाह ने अगर इसके कटवाया तो उसने उसको बुलाया और उससे पूछा कि इसके भी हाथ काट दिए जाए। और उस पूछा भी नहीं, उसने सिर्फ फैसला सुनाया कि इसके हाथ काट दिए जाए। अब काजी का फैसला सुनकर जो था वो जल्लाद आगे बढ़ा, हाथ काटने लगा, लेकिन जो इंजीनियर था वो उसको रहम आ गया और उसने कहा कि मैं माफ कर देता हूँ अपना ये सजा जो इन्होंने की, अपना खून माफ करता हूँ। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने फिर इंजीनियर को बहुत सा माल दिया। उसे गलती का उसको एहसास तो हुआ, और लेकिन इस बात का उसने शुक्र अदा किया कि उसके मुल्क के जो काजी हैं वो इंसाफ देने में, इस्लामी अहकाम को पूरा करने में इस कदर दलेर हैं कि बादशाह को भी सजा देने से वो पीछे नहीं हटते। यानी कि उन्होंने बादशाह को समझा कि वो उसने गलत किया है तो फिर उसने बादशाह को भी सजा दे दी। तो इस तरह का इंसाफ होना चाहिए कि जिसने गलती की हो उसको उसकी सजा जरूर मिल जाए। इसका नतीजा लिखिए, इंसाफ की अदालत में सब बराबर हैं, इंसाफ की अदालत में सब बराबर हैं। खाके की कहानियां लास्ट रह गई आपकी, बेवकूफ कछुआ उसको खोलें, और लालच की सजा इसका होगा इंसाफ की अदालत में सब बराबर हैं। इसके आगे है आपकी खाके की कहानियां लास्ट टू रह गई हैं, बेवकूफ कछुआ और कहानी, इसकी कहानी सुनाने लगी हूं मैं आपको। एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में सर सब्जो शादाब दरख्तों के दरमियान पानी का एक तालाब था। पानी जो है वो इंसान की या जानवरों की, सबकी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है और बुनियादी नेमत है, और इंसान भी उस पानी को इस्तेमाल करते हैं और जानवरों के लिए भी वो तालाब जो था एक नेमत से कम नहीं था। इसी तालाब के किनारे पर दो मुर्गाबियों ने अपना एक घर बना रखा था, और उसी तालाब के अंदर जो था ना एक कछुआ रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन तीनों की, यानी कि मुर्गाबियों की और कछुए की, बहुत गहरी दोस्ती हो गई, और इसी तरह हंसते खुशी खेलते उड़ते शिकार करते उनका वक्त गुजरता जा रहा था कि अचानक क्या हुआ कि परेशानी आ गई। क्या परेशानी आई कि गर्मी की शिद्दत की वजह से तालाब का पानी जो था वो खत्म होने लगा, खुश्क होने लगा, सूखने लगा, और चंद दिन ही में वो खुश्क होने के करीब हो गया। पानी के बगैर तो मुर्गाबियों की जिंदगी बेमायनी थी, क्योंकि ये तो पानी में ही अपना शिकार मछलियों वगैरह का करती हैं और पानी में ही वो तैरती हैं। तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि किसी और जगह जाना चाहिए जहाँ पानी हो। और अब ये खुद जाने का इन्होंने इरादा किया तो उनका तीसरा दोस्त कौन, जो कछुआ था, उन्होंने सोचा कि कछुए को कैसे हम लेकर जाएंगे, मुर्गाबियां तो उड़ सकती हैं लेकिन कछुआ नहीं उड़ सकता। उन्होंने फिर एक मंसूबा बनाया कि कैसे हम एक जगह पर, कैसे हम कछुए को भी साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि मुर्गाबियां जो है एक लकड़ी लेंगी, लकड़ी के दोनों किनारों को जो है ना वो मुर्गाबियां चोंच में दबा लेंगी, और एक तरफ एक मुर्गाबी, दूसरी तरफ दूसरी मुर्गाबी, और दरमियान में जो होगा वो कछुआ जो है वो लटक जाएगा दांतों में, उस लकड़ी को मुंह में दबाकर वो लटक जाएगा।
इन्होंने इसी तरीके पर अमल करके अगले दिन मंसूबे के मुताबिक अपना सफर शुरू किया, और इसी तरह उन्होंने लकड़ी मुंह में मरगाबियों ने पकड़ ली, और दरमियान में जो कछुए मियां थे ना वो लटक कर उड़ने लग गए। सफर शुरू किया, मुर्गाबियां हवा में उड़ रही थी और कछुआ दरमियान में लटका हुआ नजर आ रहा था, नीचे से देखते हुए नजर आ रहा था लोगों को, जानवरों को, परिंदों को। तो इस मंजर को देखकर उड़ते जाते साथ करीब से परिंदे हंसने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। अब इनका इन्होंने जब ये प्रोग्राम बनाया था तो इनका इनका ये सब ने मुत्तफिक का फैसला किया था कि जब हम उड़ रहे होंगे तो हम बोलेंगे नहीं, कोई किसी की बात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अगर तो मुर्गाबियां बोलती तो उनका मुंह खुलता तो वो लकड़ी मुंह से छूट जाती। सो इन तीनों ने यही फैसला किया था कि हमने जब ये सफर करना है तो हम लोगों ने बोलना नहीं है, किसी की बात का जवाब नहीं देना। इसलिए वो तीनों खामोशी से उड़ रहे थे, लेकिन एक कौवा जो था, कौवा जाहिर है कुछ शरारत करता है, कोई ना कोई चलाक होता है, उसने कहा कि ये देखो तो सही के क्या कर रहे हैं। उसने क्या किया, उसने शरारत सूझी, वो मुर्गाबियों के पास गया और कहने लगा कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो। मुर्गाबियों ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि उन्होंने तो तय किया हुआ था कि हमने बोलना नहीं है। मुर्गाबियों ने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद वो कछुए के पास आया दरमियान में और कहने लगा मियाँ कछुए बड़े मजे हैं तुम्हारे, उड़ रहे हो बड़े मजे से, क्या है कहाँ जाने का इरादा है। वो कहने लगा जी वो इतनी देर लटकने की वजह से बेचारा थक चुका था कछुआ, इतना वजन उसका होता है पीछे से भी, और वो फिर बेचारी लेकर उसको उड़ रही थी तो वो थका हुआ था। वो कहने लगा क्या करूं, दोस्तों की ये सारी मेहरबानी है, मेरे इन दोस्तों की, ये मुर्गाबियां मेरी दोस्तें हैं, इन्होंने ये कहा है कि चलो भाई मुझे भी साथ, तुम्हें भी साथ ले चलते हैं जहाँ पानी नया देखेंगे जगह पे। ये कहने के लिए भी उसने मुंह खोला ही था तो क्या हुआ, उसकी लकड़ी छूट गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गया और मर गया। मुर्गाबियों ने कछुए को अफसोस से देखा और दोनों ने लकड़ी को भी फेंका और उड़ गई। अब इसका नतीजा होगा बेवकूफी का अंजाम बुरा होता है, यानी कि कछुए ने अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा दी, हालांकि वो उसकी जो साथी मुर्गाबियां थी वो उसको अच्छा खासा उड़ाकर जाकर लिए जा रही थी, लेकिन उसने अपनी बेवकूफी से अपनी जान गंवा दी। इसका नतीजा यही होगा बेवकूफी का अंजाम बुरा होता है। लास्ट कहानी है आपकी लालच की सजा, ये आपने ऑलरेडी पहले भी सुनी होगी कहानी, पुरानी कहानी है वही तीन दोस्तों वाली। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में तीन दोस्त रहते थे, गांव में कोई काम ना मिलने की वजह से वो बेरोजगार थे। एक दिन उन्होंने मशवरा किया कि किसी शहर में जाकर किस्मत आजमाते हैं और मुलाजमत करते हैं। प्रोग्राम के मुताबिक वो तीनों घर से शहर की तरफ रवाना हो गए, चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक जंगल से उनका गुजर हुआ तो उन्हें एक दरख्त के नीचे अशरफियों से भरी हुई एक थैली मिली। वो तीनों बहुत खुश हुए। दोपहर का वक्त था, सफर की वजह से वो तीनों थक भी गए थे, इसलिए सब ने फैसला किया कि कुछ देर आराम करते हैं और उसके बाद हम फिर सफर करेंगे। अब वो थके हुए थे तो वहां उन्हें जब वो आराम करने लगे तो उन्हें एक दरख्त के नीचे अशरफियों से भरी हुई थैली मिली। वो तीनों बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि चलो जी ये तो हमारे मुश्किल हाल आसान हो गई और हमें मुलाजमत नहीं मिल रही थी तो चलो अच्छी बात है, इस तरह ये मिल गया हमें। सफर की दोपहर का वक्त हो चुका था और सफर की वजह से वो तीनों जो थे बहुत थक भी चुके थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पहले हम कुछ देर आराम करते हैं और फिर हम आपस में इन अशरफियों को बाद में तकसीम करेंगे। कुछ देर बाद उन्होंने आराम करने के बाद कुछ देर बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को खाना लेने के लिए शहर भेज दिया और बाकी दोनों दोस्त जो थे वो आराम करके साथ ही दरख्त से टेक लगाकर बैठ के आराम करने लगे। अब वो जो शहर की तरफ जो लड़का गया था, तीसरा दोस्त जो शहर की तरफ गया था, उसकी नीयत में खराबी आ गई, वो नीयत उसकी खराब हो गई और उसने कहा कि ये अशरफियां हम तीन हिस्सों में बांटेंगे तो मेरे हिस्से में तो थोड़ी आएगी, तो मैं क्या करता हूँ उन दोनों को मार देता हूँ और खाने में जहर मिला देता हूँ और इसके बाद मैं अशरफियों का अकेला मालिक बन जाऊंगा। ये सोचकर उसने इसी मकसद से खाना खरीदा और उसमें जहर मिला दिया और जंगल की तरफ चल पड़ा।
अब दूसरी तरफ जो दो दोस्त वहां आराम कर रहे थे उनके दिल में भी लालच आ गया, वो भी ये सोचने लगे वही बात के भी ये अशरफियां हम तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे तो सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी आएंगी, तो क्यों ना एक शख्स को बीच में से मार दिया जाए जो गया हुआ है जंगल खाना लेने के लिए शहर की तरफ, जो लड़का गया हुआ दोस्त। तो उन्होंने यही मनसूबा बनाया कि जो ही वो खाना लेकर आएगा तो हम उसकी उसको मार देंगे और अशरफी हम दो आपस में दोनों लोग तकसीम कर लेंगे। जो ही वो तीसरा दोस्त खाना लेकर पहुंचा, इन दोनों ने उसको धड़ाम मारना शुरू कर दिया, मार मार के उसकी जान निकाल दिया, वो मर गया। अब बड़े इत्मीनान से खुद खाना खाने बैठे, खुद खाना खाने लगे और खाने के बाद जहर ने अपना असर दिखाया। जहर ने तो असर दिखाना ही था। अब वो जहर में जो जहर का जब असर हुआ तो दोनों भी वहीं ढेर हो गए, यानी कि वो भी मर गए। अब जिन अशरफियों की खातिर तीनों ने एक दूसरे की जान ली, वो अशरफियां तो वहीं पड़ी रह गई। इसीलिए इसको कहते हैं कि सच है लालच बुरी बला है, ये इसका नतीजा यही होगा, सच है लालच बुरी बला है। और ये लालच की वजह से तीनों में से किसी एक को भी कुछ ना मिला। ठीक है, उस्मान आप कल नहीं थे, आप कल नहीं थे क्लास में? था, आपने नज़म की तशरी सुनी थी, समझ आ गई थी? कल पैवस्ता रह, जी कल मैंने आपको पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख की तशरी करवाई थी, तो कल आप थे क्लास में? मेरा ख्याल है नहीं थे आप, शायद नहीं था कल। नहीं बेटे, आप क्लास क्यों नहीं लेते हो? आपका काम मिस हो रहा है, आप क्यों उसको क्लास को छोड़ देते हो? इट्स कंपलसरी कि आप लें इनको। ऐसे ही आप दो बॉयज है सिर्फ, बाकी तो आप कहते हो कोई पता नहीं सुनते ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं है क्लास। yes, तो आप क्लास ना छोड़ा करें। कल मैंने इसकी तशरीह समझा दी थी, अब आपने इसको छोड़ा भाई, ये काम मैंने कहा था कि करना है आपने। अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे कद्र अयाज, उर्दू की किताब में है आपका चैप्टर कद्र अयाज, खोलें उर्दू की बुक। कद्र अयाज जो है कर्नल में, खोलिए सबने बुक, गर्ल्स यू आल्सो हैव ओपन योर बुक्स ऑफ उर्दू। जी कद्र अयाज कर्नल मोहम्मद खान का लिखा हुआ सबक है और ये एक उर्दू अदब के मज़ाह निगार थे और इन्होंने फौज में भी, पाकिस्तानी फौज में भी शमूलियत इख्तियार की और कर्नल के ओहदे पर पहुंचकर वो मुलाजमत से सुबकदोश हुए, यानी कि उन्होंने पाक आर्मी में अपनी खिदमात अंजाम दी और साथ साथ वो एक मज़ाहिया राइटर भी थे। उनकी किताब जो है बजुंगामद और बजमराइयां जो है ये उनकी मशहूर किताबें हैं। इनके यहाँ कर्नल मोहम्मद खान का तर्ज तहरीर सादा और दिलचस्प है, उनकी तहरीरों का असल हुसन सादगी और खलूस है, मजाक के साथ साथ वो कमजोरियों, इंसान की कमजोरियों, झूठ तसन्न और बनावट के रवैयों पर तंज करते नजर आते हैं। सादगी बावकार तंज व मजाक उनके तहरीरों की नुमाया खूबियां हैं। इसका सबक है कद्र अयाज, शुरू करें इसको पढ़ना आप उस्मान, थोड़ा सा पढ़े। कद्र अयाज कर्नेलियों को रिहाइश के कर्नल है ना, कर्नल की इन्होंने उर्दू में कहा हुआ है कर्नेलों, वैसे तो इंग्लिश में कर्नल कहते हैं ना, तो कर्नेलों इसको लिखा हुआ है। कर्नेलों को रिहाइश के हाजे उम्दा सी क्लास बंगे मिलते हैं, बंगले मिलते हैं, बंगले बंगले मिलते हैं,
मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिला गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था, जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था, यानी मुझे कर्नेलो में वो इम्तियाज हासिल ना था जो मेरे बंगले को बंगलों में था। बूढ़े बूढ़े बेरों से रवायत थी कि वो लसन वेटर जिनको कहते हैं, वेटर्स जो सर्व करते हैं चीजें वो उनको कहते हैं बेरे, से रवायत थी कि वो लसन रोड का या लाशरी विल्सन रोड का विल्सन रोड का या लाशरीक बंगला बंगला विल्सन साहब ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था। ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ कता जमीन में वाके था, यानी किस्सामे अजल ने ही इसे खासा शहाना तोल शहाना तोलो अर्ज बख्शा था तोलो अर्ज बख्शा था। इमारत के सामने वसी चमन था जिसकी हाशिए जिसके हाशिए पर मनहदी की गहरी सब्ज़बार के सर पर नोज़ों ऊंचे सरों सफेदे के पेड़ लहलहाते थे। चमन में जा बजा सुर्ख सफेद गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जवाये से अमीराना था। मुकाबले में हमारे असासे के तेवर हर चंद के खाकसाराना थे। ताहम अपने मकान की शान की पेश नजर हमने जू तो करके हर कमरे के के लिए एक कालीन या दरी पैदा कर ली। अगरचे इसकी रीख अगरचे इस कारे खैर का बेशतर अजर मकामी कबाड़िये को मिला इलावा अजीम मुनासिब फर्नीचर भी हासिल कर लिया। बड़े आगे सलीम मियां जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुए थे, दूसरे कर्नेल जादों की तरह और उनके हमरा बेफिक्री से बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के साथ टेलीविजन के सामने जम जाते। क्या मजाल जो कोई गैर इस मुशाहिद में मखल या शरीक मुशाहिदे में मखल या शरीक हो सवाय इस मुखल या शरीक हो सवाय उसके के हमारा बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श उनको तवाजे के लिए कमरे में खामोशी से दाखिल और खारिज होता रहता। अली बख्श को यूं भी सलीम से उंस था के उसी के हाथों में पला था। एक दिन मैं अपने मुताले के कमरे में बैठा था कि अली बख्श खिलाफे मामूल रोनी सूरत बनाए दाखिल हुआ। वजह गरानी पूछी तो कहने लगा, सलीम मियां ने डांटा है, कहते हैं बदतमीज हो, गनवार हो, देहाती हो। मैं गवार कहते हैं, नून की गवार हो, गवार हो, देहाती हो। मैंने इन अर्शादात के शान नजूल पूछी तो बोला, कल सलीम मियां की गैर हाजिरी में उनके एक दोस्त अमजद साहब आए और बाहर बरामदे ही में आराम कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उनके कहने पर उन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया। काफी देर सलीम साहब का इंतजार करते रहे लेकिन आखिर मायूस होकर चल 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 दे। बाद में सलीम साहब
चलती है। बाद में सलीम साहब को बताया तो मुझ पर बरस पड़े, कहने लगे उन्हें गोल कमरे में सोफे पर क्यों ना बिठाया, रेफ्रिजरेटर से निकाल कर कोका कोला क्यों ना पेश किया। अब अमजद समझेगा कि इन लोगों को तवाजे का सलीका नहीं, देहाती हैं, जंगली हैं, और फिर जो मुंह में आया कह दिया। अली बख्श की दास्तान गम खत्म। बस करें जी, ये शुरू से उन्होंने मुसन्निफ जो कर्नल मोहम्मद खान है वो अपनी आपबीती के तौर पर इन्होंने कहानी लिखी है, और वो अपने शुरू का बताते हैं कि जब कर्नल के उहदे पर वो पहुंचे थे तो उन्हें कौन सा बंगला मिला। कर्नलों को वो कह रहे हैं कि रिहायश के खासे उम्दा जो है बहुत अच्छे सी क्लास बंगले मिलते हैं, और वो कहते हैं मुझे भी खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो कि अपनी क्लास में आप था, इंतखाब था, बहुत टॉप क्लास का था, अच्छा था, यानी मुझे कर्नेलों में वो इम्तियाज हासिल ना था जो मेरे बंगले को दूसरे बंगलों में था। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे इतना एजाज नहीं था जितना कि बड़ा बंगला मुझे दूसरे बंगलों की निस्बत, मुझे मेरा बंगला जो था वो काफी बड़ा था। और क्यों इनका बड़ा था, क्योंकि बूढ़े बैरे जो थे, जो वेटर्स हजरात थे, जो मुलाजिम थे, उनसे ये बात मशहूर थी कि विल्सन रोड का ये लाशरीक बंगला, लाशरीक का मतलब था उसके जैसा कोई और नहीं था, लाशरीक अल्लाह के लिए भी कहते हैं ना, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है लाशरीक, तो वो लाशरीक ये ऐसा बंगला किसी और के पास नहीं था, ये विल्सन साहब ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था। अब ये बंगला कितना बड़ा था, तकरीबन 2 एकड़ कतह जमीन पर वाकया था, 2 एकड़ काफी खुली जगह होती है, यानी कसामे अजल ही ने ही इसे खासा शहाना तूलो अर्ज बख्शा था। कसामे अजल होता है शुरू दिन से ही, रोजे अव्वल से ही, जब से वो बना था उसी वक्त से ये काफी खुली जगह थी और खूब लंबाई तूल और अर्ज, लंबाई और वसत उसको बहुत अता हुई थी। उसकी इमारत के सामने वसी चमन था, बहुत बड़ा खुला बाग था जिसके हाशिए पर मेहंदी की गहरी सब्ज बाड़ के सर पर, यानी के उसके किनारों पर जो बॉर्डर था वो बाड़ थी मेहंदी की, और सब्ज बाड़ के किनारों वाली जगह पर ऊंचे ऊंचे सरू के दरख्त, सरू के दरख्त होते ना वो लंबे लंबे ऊपर तक नोक से निकले हुए लगते हैं, और सफेदे के लंबे लंबे बड़े दरख्त जो थे वो लहलहाते थे। चमन में जा बजा होता जगह जगह, सुर्खो सफेद गुलाब के पौधे थे, सुर्ख और सफेद रंग के गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज हमारे बंगले का मजाज हर जाविये से अमीराना था, यानी कि जैसे कि अमीरों का घर होता है उस तरह का बड़ा सा घर था वो, लेकिन उसके मुकाबले में वो खुद कहते हैं कि हमारे जो सामान था, असासे को कहते हैं सामान, हमारा जो सामान था वो गरीबाना था, खाकसराना था, गरीबाना था, हम जैसे उसके पास हम इतने अमीर नहीं थे लेकिन बंगला हमें काफी बड़ा मिल गया और मेरे पास उन कमरों में रखने के लिए सामान भी ना था। और फिर कह रहे हैं कि हमें, हमने मकान की शान के पेशे नजर, हमने उसके देखते हुए कि इतना बड़ा घर मिल गया तो कैसे तैसे करके हमने हर कमरे के लिए कोई कालीन या दरी को कहीं ना कहीं से लेकर उसके अंदर बिछा ली थी। अगरचे इस कारे खैर में, इस नेक काम में, अगरचे इस नेक काम में किसका हिस्सा ज्यादा था, कबाड़िए का, ओल्ड शॉप नहीं होती सामान वाली, पुरानी शॉप से सेकंड हैंड सामान लेकर, तो कह रहे कि उससे मुझे फायदा हुआ कि मैंने उससे सामान खरीदा और उससे अपने घर में जो था मुनासिब कीमत पर, कम कीमत पर सामान भी और फर्नीचर भी हासिल करके अपने घर को सजा लिया, या उसको उसके अंदर उसका खूबसूरत बना लिया, हमने अपने घर की सजावट कर ली। अब उनका एक बेटा था सलीम मियां, कर्नल मोहम्मद खान का। सलीम मियां के बारे में आगे बता रहे हैं, जो अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुए थे, दूसरे कर्नल जादों की तरह और उनके हमरा बेफिक्री से क्या खेलते, बैडमिंटन खेलते, और सरे शाम होते ही दोस्तों के साथ टेलीविजन के सामने जम जाते, बैठ जाते और टेलीविजन के प्रोग्राम देखते।
अब इस वक्त जिस तरह ये जिस वक्त ये काम करते थे दोस्तों के साथ, उन किसी की कोई मजाल नहीं होती थी, किसी की कोई हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस काम में मुखिल हो। मुखिल का मतलब था उनके अंदर मुदाखलत करे या उनको तंग करे या कोई उसके अंदर शामिल हो, सिवाय किसके? कौन जाता था उनके पास? बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श। बूढ़ा मुलाजिम जो था इनका अली बख्श था, जो के कमरे में खामोशी से जाता और आता और उनकी तवाजो करता, यानी कि कोई चाय पानी का वो कोई उनका इंतजाम करता, कोई भी चीज उनको खाने की जरूरत होती तो वो उनको देने लेने के लिए अंदर जाता और आता था। और अली बख्श को जो था सलीम से वैसे भी मोहब्बत थी, उनसा मोहब्बत थी कि वो उसी के हाथों में पला बढ़ा था, यानी कि सलीम जो पुराना मुलाजिम था ये अली बख्श, और उसने उनकी सलीम की परवरिश भी की थी, इसलिए वो उनके साथ ज्यादा उसकी मोहब्बत थी। अब मुसन्निफ कहते हैं कि एक दिन मैं अपने मुताले के कमरे में बैठा था कि अली बख्श खिलाफे मामूल रोनी सूरत बनाए अंदर दाखिल हुआ, और मैंने जब रोने की वजह पूछी तो कहने लगा कि सलीम मियाँ ने डांटा है, कहते हैं बदतमीज हो, गंवार हो, देहाती हो, यानी के बदतमीज हो, गंवार होता है पढ़ा लिखा ना होना, जिसको कोई तमीज ना हो, और देहाती होना ये ताना दिया कि गांव के लोगों को जैसे किसी चीज की तमीज नहीं होती तो तुम ऐसे हो। मैंने इन इरशादात की शाने नजूल पूछी, शाने नजूल होता है कि इनको ना बोलने की वजह पूछी कि इसने सलीम ने क्यों ऐसा कहा आपको, तो बताने लगा कि कल सलीम मियाँ की गैर हाजिरी में, सलीम मियाँ घर पे मौजूद नहीं थे, उनकी गैर हाजिरी में उनके एक दोस्त अमजद साहब आए थे और वो बाहर ही बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए थे। उनके कहने पर मैंने उन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश कर दिया और वो काफी देर इंतजार करते रहे कि सलीम मियाँ आए और उनसे मिल लें, लेकिन नहीं आए सलीम मियाँ तो मायूस होकर चल पड़े। जब सलीम मियाँ घर पहुंचे तो मैंने उनको बताया कि तो मुझ पर नाराज होने लगे। क्यों नाराज होने लगे? कि भाई तुमने उनको ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बिठाया? गोल कमरा का मतलब होता है कि वो जो सेंटर वाला मेन कमरा जिसके अंदर मेहमान को बिठाया जाए, बड़े कमरे में आपने उसको क्यों नहीं बिठाया? सोफे पर क्यों नहीं बिठाया? और रेफ्रिजरेटर से कोका कोला क्यों नहीं निकाल कर पिलाया? तो पहले इसी तरह का जरा ट्रेंड था कि भाई पानी शानी इस तरह कोक पिलाए, सादा पानी ना पिलाए। अब वो कहेगा, कह रहा था कि सलीम मियाँ ने इसलिए डांटा कि अमजद अब क्या समझेगा मुझे? देहाती समझेगा, गांव वाला है ये, इसको कुछ नहीं है, इसको कोई तरीका नहीं है, और तवाजो का इनको सलीका नहीं है। तवाजो होती है आओ भगत करना, उनकी पानी चाय का पूछना, ये लोग देहाती हैं, जंगली हैं। और फिर जो मुंह में आया सलीम साहब ने मुझे कह दिया,